Hello. Yeah. More. Yeah. Rather. कोई के लिए फूल हमेशा लेकर आता हूँ, लेकिन तुम भूल जाती हो। प्रणव, कितनी देर से मैं यहाँ बैठा दीवानों की तरह तुम्हारा इंतजार कर। कितनी देर से आई हो तुम? किसने कहा था दीवाने बनो? और अगर इतना बुरा लगता है इंतजार करना तो चली जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं मजाक कर रही थी, पता है ना इतने बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे घर से निकलने के लिए। अच्छा चलो कोई देख ले। पहले मुझे तो तुम्हें जी भर के देख लेने दो, अभी तो आई हो। मॉल जाके देख लेना। कहां वो कंगाल चंद सौ की नौकरी करने वाला, और कहां ये सलीम, कीमती लिबास, शानदार गाड़ी, कलाई पर महंगी तरीन घड़ी। ये तब्दीली कैसे आई इसकी जिंदगी में, मैंने पूछा ही नहीं। अम्मी ये लें चाय पी लें। थैंक यू। क्या हुआ, लगता है आप अभी सलीम अंकल के बारे में सोच रही हैं। माजी से जुड़े कुछ रिश्ते आपको माजी में ले जाते हैं, और माजी एक खूबसूरत वादी की तरह होता है जिसमें फूलों भरी पगडंडियां होती हैं, कांटों भरे रास्ते होते हैं। कभी कांटों की चुभन अजियत देती है, तो कभी फूलों की खुशबू जिंदगी को मुअत्तर बना देती है। आप जानती हैं उस लड़की को जिससे सलीम अंकल मोहब्बत करते थे? हाँ, बहुत अच्छी सहेली थी मेरी, मगर थोड़ी सी नादान थी। तो उससे मिलेंगी कभी आप फिर? पता नहीं, वो जमाने की धूल में ऐसे ही गुम हुए कि अब तक तो मट्टी मट्टी हो चुकी होगी। खैर छोड़ो, बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी मुझे भी एहसास हो गया है, आज आईने में देखते हुए मैं सोच रही थी कि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहती हूँ, बन सवार कर, कि अगर कोई पहली नज़र में मुझे देखे बरसों बाद तो पहली नज़र में ही पहचान ले, बिल्कुल वैसे जैसे सलीम अंकल ने आपको पहचाना था। इसलिए कि मैंने गुजरे वक्त की तलखियों को कभी अपने ऊपर रोग बना के हावी नहीं किया। अच्छा सुनो, हानिया से सलीम का जिक्र बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें पता है ना उसके मिजाज का।